हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रूबी किचन एंड ब्लॉग्स में। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं बताऊंगी आपको कि मेरे घर पर कितनी सारी सब्जियां मम्मी ने उगा के रखी हैं, और ये प्योर ऑर्गेनिक हैं। इसमें कोई बाहर का केमिकल खाद यूज़ नहीं हुआ है, केवल गोबर खाद ही हमने इसमें यूज किया हुआ है। और आपको मैं दिखा दूँ कि ये मिर्ची का पौधा है। इसमें आप ये देखिए कि कितनी सारी मिर्चियाँ लगी हुई हैं, एकदम लदे हुए पेड़ हैं। और यहाँ पर काफ़ी मात्रा में हमने मिर्चियाँ बो के रखी हैं। ये देखिए कितने सारे पौधे हैं मिर्चियों के, और थोड़े से इधर भी हैं। और सभी पौधों में काफ़ी अच्छे, ये देखिए फूल भी आ रखे हैं, फूल भी आ रहे हैं काफ़ी काफ़ी जगह पे। ये है हमारा बैगन का पौधा, इस पे बैगन भी आ रहे हैं, आप देख सकते हो। अभी अभी छोटे छोटे हैं, ये काला वाला बैगन है। यहाँ पर एक और ये बैगन है, ये देखिए हरे वाले बैगन है। और इस बैगन के पौधे पर भी काफ़ी सारे बैगन मतलब लगे हुए हैं। इस बैगन के पौधे पे काफ़ी सारे कांटे होते हैं, बैगन के पौधे पे नहीं, बैगन के पत्ते पे ये कांटे होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। और पर ये टेस्ट में काफ़ी बढ़िया मतलब बैगन बन कर के तैयार होते हैं, काफ़ी बढ़िया होते हैं टेस्ट में। ये देखिए कितने मोटे मोटे ये कांटे हैं। ये वाले, यहाँ पर ये फिर से काले वाले बैगन का ही पौधा है। ये देखिए इस पर भी काले वाले बैगन लग रहे हैं, इन पे भी, इन पौधों पे भी मतलब बैगन हैं यहाँ पर और मिर्चियाँ हैं। ये मिक्स हैं, मतलब एक ही क्यारे में ये दो चीज़ें लगा के रखे हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा बो रखा है धनिया, ये देखिए ये मिर्चों के बीच में हमने धनिया बो के रखा है थोड़ा सा, ये अभी यहाँ पर, और आगे भी हमने बोया है। ये है हमारी सेम की बेल, जो देखिए कितने सारे फूल आ रहे हैं और इन पे अब फलियाँ भी आने लग गई हैं। जैसे जैसे सर्दियाँ शुरू होंगी वैसे वैसे ये इनमें फलियाँ आना लगेंगी। ये देखिए कितनी सारी फलियाँ लगी हुई हैं, सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी और फलियाँ भी ज़्यादा लगती जाएंगी। और ये काफ़ी बढ़िया है, और सबसे बड़ी बात यह है ये प्योर ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं, इनमें कोई बाहर का केमिकल खाद यूज नहीं हुआ है। और ये देखिए कितनी हेल्दी बेल है हमारी, मतलब कोई ये नहीं है कि खाद बाहर का नहीं है तो मतलब सूख जाएगी वैसी हो जाएगी, नहीं, बहुत ही अच्छी बेलें हैं हमारी। एक पौधा हमारा यहाँ है सेम का बेल, इस पर भी काफ़ी अच्छे फूल आ रहे हैं, फलियाँ भी लग रही हैं, कुछ दिन में तोड़ने लायक हो जाएंगी। आपको मैं पास से दिखा देती हूँ, इस पर भी फलियाँ लग रही हैं। देखिए यहाँ पर बोया है ये हमने मेथी, ये देखिए ये भी तोड़ने लायक नहीं है मेथी, लेकिन और इधर है पालक, ये मूली का है पौधा, मूलियाँ भी बीच बीच में बो रखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने बो रखी हैं बीच बीच में। ये हमने भिंडी भी बोई थी, लेकिन अब हमने भिंडी को मतलब तोड़ के फेंक दिया, लेकिन ये बीज के लिए हमने भिंडियाँ छोड़ दी हैं। ये जंगली भिंडियाँ हैं ना, कटीली भिंडी भी बोलते हैं, जो ऐसी होती है देखने में। और यहाँ पर है मेथी पालक मिक्स, जो तोड़ने लायक है, जिसमें से हम सब्जियों के लिए तोड़ते हैं, यहाँ से हम सब्जियों के लिए तोड़ के ले जाते हैं पालक मेथी। और ये देखिए कितना बढ़िया पालक है, मेथी है, काफ़ी बढ़िया हरा भरा है, काफ़ी सारी जगह में हमने ये लगा के रखा है, आप देख ही सकते हो। और ये है अरहर का पौधा, जो अरहर की दाल होती है वो, यहाँ पर बीच बीच में ये हमने मूली बो रखी है, ये काफ़ी लाइन से हमने मूली के पौधे लगा कर। और यहाँ पर हमने बोई है ये गाजर, जो अब निकल आई हैं, जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी तो ये काफ़ी बढ़िया हो जाएंगे। ये देखिए काफ़ी बड़े बड़े मतलब पौधे हो गए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, जैसे ये ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो नीचे गाजर भी बनना शुरू हो जाएंगी। और यहाँ पर बोया है ये हमने लहसुन, ये देखिए इतने सारे क्यारे में हमने बोया है लहसुन, जो अब निकल आया है। इसमें से हम सब्जियों के लिए भी ऊपर से पत्ते तोड़ते रहते हैं, इसलिए ये ज़्यादा दिख नहीं रहा है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है और ये प्योर ऑर्गेनिक है। और यहाँ पर है हमारा बहुत ही हेल्दी हरा भरा एलोवेरा का पौधा, ये देखिए कितना बढ़िया है, ये नीम का पौधा है। और ये है हमारा किचन गार्डन का थोड़ा छोटा सा करी पत्ता का पौधा, जो काफ़ी बढ़िया ग्रो कर रहा है हमारा। और यहाँ पर लगी है हमारी तोरी की बेल, जिसपे काफ़ी सारे फूल आ रहे हैं, और हमने कल ही तोरी तोड़ी हैं, इसलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं सकती हूँ यहाँ पर तोरी लगी हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी है ये बेल भी। और यहाँ पर है ये हमारी लौकी की बेल,
ये देखिए, ये भी काफ़ी हेल्दी है, काफ़ी बढ़िया है ये बेल। इन पर ये देखिए छोटी छोटी लौकी लग भी रही हैं, ये देखिए काफ़ी सारी लग रही हैं इस पर, और काफ़ी हेल्दी है। और ये बेर के पेड़ पर चढ़ गई है, इस पर देखिए कितने सुंदर बेर लगे हुए हैं, ये देखिए काफ़ी बढ़िया। जब ये जनवरी फरवरी होगी ना तब तक ये पक जाएंगे। और इस पर से हमने वो काफ़ी सारी लौकी तोड़ भी ली हैं, आपको मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी तो लौकी लगी हुई है, लेकिन अभी मैं इसे तोड़ नहीं रही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।